वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। तो हम एक और वीडियो आप लोगों के लिए लेके आए हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग सॉल्व करते हैं या क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सवाल हमारा ये है, ओ केंद्र वाले एक वृत्त की दो विजीवाएं ए बी तथा सी डी एक दूसरे को पी बिंदु पर काटती है, तदनुसार यदि ए ओ डी बराबर 20 डिग्री है और बी ओ सी बराबर 30 डिग्री हो तो एंगल बी पी सी कितना होगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, बट अगर ध्यान से देखा जाए तो बनाया जा सकता है। तो चलिए बनाते हैं सवाल को। तो इस सवाल को मैंने सबसे पहले एक चीज़ आपको याद रखना होगा, वो चीज़ ये है कि अगर कोई सर्कल है, ये एक जीवा है, तो अगर इस जीवा से एक एंगल सेंटर पे केंद्र पे बना हो और इसी जीवा से एक एंगल परिधि पे बना हो, तो ये अगर थीटा होगा तो ये वाला टू थीटा होगा, ये याद रखना है आपको। चलिए अब सवाल को सॉल्व करते हैं। तो पहले एक सर्कल बना लेते हैं हम लोग, ये हमारा मान लीजिए केंद्र है, ठीक है। अब बोला है दो भुजाएं, तो एक हो गया ये मेरा ए बी और दूसरा हो गया मेरा सी डी। ये दोनों मिलते कहाँ पे है, पी पे, तो पी नीचे लिख लेते हैं, डायग्राम ठीक रहेगा। तो अब हमें क्या बताया गया, ए ओ डी, ए ओ डी कौन सा बन रहा है, ये एंगल और जोड़ेंगे हम लोग तो हमारा ए ओ डी आएगा, तो ये वाला है हमारा 20। इसी तरीके से बी ओ सी दिया हुआ है जो कि है 30, ठीक है। तो अब हमें निकालना कौन सा एंगल है, बी पी सी, तो बी पी सी ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये ए डी को जोड़ेंगे और ये बी डी को जोड़ेंगे, ठीक है। तो मैंने कि देखिए ये जो जीवा है ए डी, इसी जीवा पे ए ओ डी भी बना हुआ है और इसी जीवा पे ये वाला एंगल भी बना हुआ है ए बी डी। तो अगर ये केंद्र पे है तो ये परिधि पे है, तो ये 20 है, तो ये कितना हो गया आपका 10। अगर हम लोग बी सी को जोड़ देंगे तो बी सी, बी सी पे जो एंगल ये बना हुआ है 30 केंद्र पे, उसी बी सी पे यहाँ पे एक एंगल बना हुआ है परिधि पे, तो ये हो गया आपका 15, ठीक है। तो इससे डायरेक्टली प्रॉपर्टी है कि कोई भी बाहर वाले एंगल का जोड़, मान लीजिए ये ट्राइंगल है मेरा, तो ये जो बाहर वाला एंगल है ये किसके जोड़ के बराबर होता है, अंदर वाले जो इसके, ये देखिए ये किसके साइड में, इस एंगल के साइड में, तो इसके उल्टे दो एंगल कौन सा हुआ, ये वाला और ये वाला। तो ये अगर ये एंगल 3 हुआ, ये एंगल 1 हुआ, 2 हुआ, तो एंगल 3 बराबर 1 प्लस 2 लिख सकते हैं। तो इसी तरह से ध्यान दीजिए, अगर इस ट्राइंगल के लिए ये वाला बाहर वाला एंगल है और इसके अपोजिट भुजा कौन सी, अपोजिट कौन कौन सा कौन सा, ये वाला ये वाला, तो इन दोनों का जोड़ इसके बराबर होगा, तो 10 प्लस 15 हो गया 25, तो हमारा आंसर हो गया 25। ये गलती से डिग्री लिखा था, 25 डिग्री है। अब अगर ऐसे समझ में नहीं आया, ऐसे कर सकते हैं हम लोग कि देखिए ये एक ट्राइंगल है, तो इस ट्राइंगल में तीन एंगल है, ये और ये, तो इन तीनों का जोड़ कितना मान लेते हैं, इसको हम लोग 1 एंगल मान लेते हैं, तो एंगल 1 प्लस 10 प्लस 15 इक्वल टू 180, तो 1 इक्वल टू कितना आ गया, 180 माइनस 10 माइनस 15, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 155, ठीक है, ये आया। अब देखिए ये एक सीधी लाइन है, तो ये एंगल इसको 2 मान लेते हैं, तो तब भी एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 होना चाहिए, एंगल 1 हमें पता है 155, एंगल 2 इक्वल टू 180, तो एंगल 2 इज इक्वल टू 180 माइनस 55, तो ये आ गया हमारा 25, ठीक है। तो इस तरीके से इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें इस वीडियो पे, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबा लें और अपने दोस्तों के पास प्लीज़ शेयर करें ताकि सब्सक्रिप्शन और बढ़े और अच्छे वीडियोस आपके लिए बना पाए। देखने के लिए
थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स फ्रेंड्स.